स्टूडेंट वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास डेफिनेशन है एब्सोल्यूट स्यूडो प्राइम नंबर की। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले बात बता देना चाहता हूँ, यदि आप न्यू वन तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके पहले हमने एक लेक्चर जो दिया था वो था स्यूडो प्राइम नंबर का, पहले उस पार्ट को देख लो, फिर आपको समझ में लग जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो देखा है वो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो आज की हमारी डेफिनेशन है कि एब्सोल्यूट स्यूडो प्राइम नंबर क्या होता है। हमारे पास है कंपोजिट इंटीजर एन, हमारे पास एक इंटीजर नंबर है जिसको हम प्राइम बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक कंपोजिट होगा इंटीजर एन, इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूटली स्यूडो प्राइम इफ ए की पावर एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन हो आपके पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब फर्क क्या रहेगा, हमारे पास एक प्यारी सी स्माइल हो जाए, फर्क क्या रहेगा कल और आज वाले में, उसके अंदर था कि स्यूडो प्राइम नंबर। अब स्यूडो प्राइम नंबर कब होगा कि जब आपकी ए की वैल्यू फिक्स कर दी जाए कि आपकी ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। आपका गिवन जो इंटीजर है वो इस सिचुएशन को फॉलो करता है ओनली फॉर ए इज इक्वल टू 2, तो देन उसको हम बोलेंगे स्यूडो प्राइम नंबर। लेकिन लेकिन हमारे पास यदि दिया हुआ नंबर एन क्या करे, फॉलो करे इस रूल को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, तो हमारे पास वो क्या होगा सीडो प्राइम नंबर होगा, एब्सोल्युटली सीडो प्राइम नंबर। तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मान लो हमारे पास 561 है, ठीक है। तो हमने इसको टेस्ट करना है कि ये कैसा है, ये सीडो प्राइम नंबर है या एब्सोल्युटली सीडो प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले दो केस करेंगे इसके अंदर। एक बार और बता देना चाहते हो, इसकी एक थ्योरम भी रहती है, यदि आप वो करेंगे तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें इसे मैथमेटिकली करना। जिन बच्चों को थ्योरम नहीं पता लेकिन ये डेफिनेशन पता होगी वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज हमें शो करने वाले हैं इसको एब्सोल्युटली स्यूडो प्राइम नंबर। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास जो 561 है ना, इसके आप प्राइम फैक्टर्स नंबर आज देखो, जहाँ पर इनका जो सम आता है वो 12 आता है, इसका मीनिंग ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से जब डिवाइड होगा तो आप इसको कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। 3 से डिवाइड होगा जी, यहाँ पर 1 पर चल गया जी, हमारे पास 8 पर जाएगा और जिस हमारे पास 7 पर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यदि आप इसको देखें तो 11 1 पर और 7 पर, तो जी इसके यहाँ पर 11 है, ठीक है जी, तो जी इसका 17 निकल कर सामने आ जाएगा। तो जी हमारे पास 3 11 एंड 17, तीन प्राइम नंबर के अंदर क्या हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हमारा काम है, सबसे पहले तो मैं इसको स्यूडो प्राइम नंबर ही करूँगा। हमने शो करना है कि 2 की पावर 561 एक कंग्रुएंट होना चाहिए 2 मॉड्यूलो हमारे पास 561। डायरेक्ट करेंगे तो डिफिकल्ट रहेगा, तो हम क्या करेंगे 3 11 और 7 के साथ ट्राई करते हैं। एज हमारे पास 3 कैसा है, इज अ प्राइम नंबर है, आपके पास 3 इज प्राइम नंबर, तो क्या होगा, तो देयर फोर बाई आपके पास क्या होगा फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी, देयर फोर बाई फॉर्मेट थ्योरम। तो फॉर्मेट्स जो हमारे पास थ्योरम है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा जी, 3 आपका प्राइम नंबर है और जहाँ पर हम 2 चाहते हैं, 2 और 3 का जिस, तो आपका 1 ही है, ठीक है। तो क्या होगा 2 की पावर एक कम रखेंगे, जहाँ पर 2 की पावर आ जाएगी आपके पास, हमने 3 लिया हुआ तो 3 माइनस 1 कॉन्ग्रेंट आपका 1 मॉडुलो 3 रहेगा, दैट इज 2 की पावर आपके पास 2 आ जाएगी कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो आपका 3 रहेगा, ठीक है। लेकिन हम पावर चाहते हैं 561 करना। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, पावर के अंदर 561 था तो आप 560 रख लो, तो यदि आप इसकी कटिंग करेंगे तो जी आप 2 पर चले जाएंगे, उसके बाद आपको 8 यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर 0, तो 280 यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रेंट 1 की पावर 280 0 हो जाएगी मॉड्यूलो 3, अब जहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 560 कॉन्ग्रेंट 1 ही रहेगा मॉड्यूलो आपका 3 रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि 2 की पावर 561 हो, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इधर इधर हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना 2 से दोनों तरफ। एक मिनट, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हमारा, ये पावर पॉइंट है, इसके अंदर दिक्कत आ जाती है। चलो अब सही है, ये था तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो, तो मॉडुलो आपके पास 3 आ जाएगा राजे, तो जो 2 की पावर 561 मॉडुलो 2 आपका मॉडुलो 3 आ जाएगा, कॉन्ग्रेंट 2 मॉडुलो 3। तो जो एक केस हमारा अभी तक हुआ, फिर हम 11 के साथ ट्राइंग करेंगे कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू आपका जो 2 एंड 11 का जिसमें 1 है एंड आपका 11 कैसा है, इज अ प्राइम नंबर, तो देयरफॉर लिख लो वाई फॉर्मेट थ्योरम, देयरफॉर वाई फॉर्मेट थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा सामने, हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 1 मीन 10 रहेगी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी 1 मॉडुलो आपके पास 11 पर। हम इसके अंदर क्या करते हैं, दोनों तरफ पावर करते हैं 5 6 5 6,
वन की पावर की फाइव सिक्स कर दी तो मोडुलो आपका इलेवन ही रहेगा, ये टू की पावर फाइव सिक्स जीरो कॉन्ग्रेंट वन रहेगी मोडुलो इलेवन के ऊपर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया मोडुलो इलेवन के ऊपर, तो जो क्या बन गया टू की पावर फाइव सिक्स वन कॉन्ग्रेंट वन आपका, इधर टू आ गया सॉरी, तो ये आपका मोडुलो इलेवन हो जाएगा, ये आपका हमारे पास टू नंबर होगा। अगेन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, टू एंड सेवनटीन का जीसीडी वन है एंड सेवनटीन आपके पास क्या है सर, इज अ प्राइम नंबर, तो देयरफॉर क्या होगा टू की पावर सेवनटीन माइनस वन सिक्सटीन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये कॉन्ग्रेंट रहेगा वन मोडुलो आपका सेवनटीन पर। अब हमें चाहिए 560, तो अब देख लो 560 है, अब इवन ही करोगे ना, यदि आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं कितना रिमाइंडर बचता है हमारे पास, 16 पर 48 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर आपका 8 और इधर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, तो इसका भी हम पावर 35 पावर कर देंगे दोनों तरफ, दोनों पावर पावर 35 कर दो, इधर भी कर दो, नेक्स्ट स्टेप में करना मेरे से जहाँ पर होगी तो आप नेक्स्ट स्टेप में करना, ठीक है, तो जो आपका 1 रहेगा मॉडुलो 17 पर, उसके बाद तो पता ही है इधर आपका 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 की पावर 561 हो जाएगा और इधर 2 बचेगा मंडुलो 17 पर, तो ये आपका 3 रहेगा। अब स्टूडेंट्स क्या देखो, पीछे देखो, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी जे वाली हमारे पास जो कि 3 पर थी, इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन गई जे 11 के साथ, तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारे पास 17 के साथ। अब हुआ क्या कि आपके पास जो 3 है 11 एंड 17 आर कैसे हैं, रिलेटिवली को प्राइम, आप कोई भी दो उठा लो रिलेटिव आपके रिलेटिव को प्राइम है, ठीक है, रिलेटिव आप कह सकते हो को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर कोई भी दो उठा लो तो आपका जिसरी वन ही है, तो देयरफॉर आपके पास जो 2 की पावर 561 आ रही है वो कॉन्ग्रेंट 2 रहेगा मॉडुलो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी। इसका मीनिंग क्या होगा, 2 की पावर 561 क्या रहेगा, 2 मॉडुलो आपके पास 561 आ जाएगा, तो देयरफॉर आपका क्या होगा 561 कैसा होगा राजे, इज अ क्या हो जाएगा हमारे पास, इज अ सीडो प्राइम नंबर, ठीक है, जी तो आपका हो गया। लेकिन लेकिन हमें क्या शो करना है, हमें तो इसे एब्सोल्यूट शो करना है कि ये हमारे पास कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट सीडो प्राइम नंबर होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, कि हमें ए की पावर एन कॉन्ग्रेंट ए करना होगा, एन का मीनिंग हमें ए की पावर 561 कॉन्ग्रेंट ए करना होगा मॉडुलो 561 पर, ये करना होगा। अब ए आपका क्या हो सकता है, फुल ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, इसलिए वो जो इसका आर्टिकल रहता है इसकी जो वो थ्योरम रहती है वो बेस्ट रहती है, लेकिन हम यहाँ पर अभी आपको समझाना चाहते हो तो टेक हमने करा, टेक आप एक कुछ भी कर लो, मैंने टेक माइन जहाँ पर 5 लिट कर लिया, ठीक है, आप एक कुछ भी सिलेक्ट कर लो, यदि हमारा देखो यदि सिर्फ 2 के लिए होता है, सिर्फ 2 के लिए तुझे सीडो प्राइम रहेगा, और लेकिन यदि उसके अलावा कोई और नंबर आप रेंडमली चूज कर रहे हो और उसके लिए भी होता है हमारे पास तो ये हमारा सही चलेगा, ठीक है, तो जहां पर हमने क्या करा कि ए को 5 पिक कर लिया, तो वही स्टार्ट करेंगे 3 के साथ, ठीक है, 3 के साथ 561 आपका क्या था, 3 11 और 17 था, ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 के साथ चलेंगे। आपको पता कि 5 एंड 3 का जिसमें 1 है और 3 आपके पास कैसा है, इज अ प्राइम, थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, तो देयरफॉर बाय आपकी फॉर्मेट थ्योरम, मैं इसको टीएच लिख देता हूँ, क्या आएगा हमारे पास 3 की पावर, आपके पास क्या आएगा 3 की पावर, जो भी आप नंबर सॉरी 5 की पावर, ए की पावर करनी है हमने, 5 की पावर 3 माइनस 1 कॉन्ग्रेंट आपका 1 रहेगा मॉडुलो 3 के ऊपर, इसका मीनिंग 5 की पावर 2 आपके पास कॉन्ग्रेंट होगा 1 मॉडुलो आपके पास 3 के ऊपर। अब हमें तो पावर चाहिए 560, तो हम इसके अंदर 280 लगा देते हैं, इधर 1 के ऊपर लगाएंगे तो सेम ही रहेगा, समझ लग रहा है ना, तो जहाँ पर 5 की पावर आपके पास आ जाएगी 560 कॉन्ग्रेंट 1 आ जाएगी, लेकिन हमें तो पावर 61 चाहिए, तो आप क्या करोगे एक 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक 5 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आपका जे बन जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जे बन जाएगा और इधर करेंगे तो जे बन जाएगा, अरे वाह, तो इसका मीनिंग ये आपका नंबर 1 आ जाएगा, ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है उसके लिए आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा, यस हम इसके अंदर एक स्लाइड ऐड कर लेंगे, ओके, तो अभी हम जहाँ पर थे, ठीक है, अब हमारे पास देखो ध्यान से
अब हमने 11 के साथ करना है, ठीक है। अगेन ए हमारा 5 है और 11 के साथ जीसीडी 1 है, 11 के साथ जीसीडी हमारा कितना है, 1 है। तो आप लिख भी सकते हो 11 हमारा कैसा है, इज अ प्राइम नंबर है। तो देयरफॉर वाई फॉर्मेट थ्योरम आपके पास क्या होगा, 5 की पावर 11 - 1 कॉन्ग्रेंट 1 रहेगा, मॉड्यूलो 11, तो 5 की पावर 10 हो जाएगी कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो 11। इसके बाद तो आपने 56 पावर ले लो दोनों तरफ, 56। जैसे इसकी पावर 56 लेंगे ये तो आपका इतना बन जाएगा, इधर 1 की पावर 56 तो 1 ही रहेगा। इसका मीनिंग अब आप क्या एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इधर जे बन जाएगा और इधर आपका जे बना रहेगा। क्या समझे, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। अब जहाँ से अगेन आपके पास क्या रहे, 5 और 17 का जिसलिए कितना है, 1। 17 क्या हमारे पास इज अ प्राइम नंबर है, तो देयरफॉर 5 की पावर 17 - 1 16 आ जाएगा कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो 17 रहेगा। अब पावर कितनी करेंगे हम, 35 करेंगे, बिकॉज हम पहले कर चुके हैं 16 के साथ। तो दोनों तरफ जैसे आप पावर 35 करोगे, इधर 1 की कर दो, तो मॉड्यूलो हमारे पास 17 रहेगा, तो 5 की पावर आ जाएगी हमारे पास 560। मल्टीप्लाई करके देख लेना, कुछ मेरी मिस्टेक हुई तो मेरे को बता देना, ठीक है। इतना अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर तो 61 हो जाएगा, इधर 5 आ जाएगा मॉड्यूलो 17। अगेन आप लोगों के पास आप कुछ 3 11 कर लो, 3 17 कर लो, 11 17 कर लो, कुछ भी कर लो राजी, इनका जीसीडी 1 है। तो दे आर 4 फ्रॉम अबव, ठीक है। तो जो अगर आपका अबव कंडीशन वो हमें इम्प्लाइज करेगी कि 5 की पावर 6 1 कॉन्ग्रेंट 5 रहेगा मॉड्यूलो 561 के ऊपर, तो हेयर जो आपका 5 था इज एनी अर्बिट्रेरी, आपने कोई भी उठाया था ना, तो हमने ए उठाना था राजी, हमने ए उठाना था। लेकिन अभी जब आपने ए उठाना था तो हमने क्या करा, जहाँ पर ए को 5 रख लिया। आप बच्चे ट्राई कर सकते हो, 6 रख लो, 7 रख लो, 9 रख लो, 10 रख लो, कुछ भी रख लो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि आपका गिवन नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो वो स्यूडो नंबर है, लेकिन यदि वो 2 के अलावा, मतलब 2 को एक्सपेक्ट छोड़ दो, आपका 3 1 5 6 किसी के लिए भी करेगा तो हम उसको एब्सोल्यूट बोलेंगे। तो हेंस हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा जो नंबर है 561 वो कैसा है, इज एन एब्सोल्यूट, इज एन एब्सोल्यूट स्यूडो प्राइम नंबर। तो यदि आपको ये वीडियो समझ लग गई तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। एक लास्ट में आपके सिर्फ बात करनी है, ऊपर आई बटन के अंदर आपको एक न्यू चैनल बनेगा हमारा, अमर्स किचन है उसका नाम, वो मेरी वाइफ का चैनल है, हमने अभी इसको स्टार्ट करा, तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर सकते हो उसको प्रमोट करने के अंदर, इसको ग्रो करने के लिए। तो जैसे हम मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हूँ, चाहता हूँ कि आपके जो अच्छे मार्क्स हो, तो वैसे ही मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दो हमें उस चैनल को ग्रो करने के लिए। तो बस इतना ही आपसे चाहूँगा। और ये तो हमने जो एग्जांपल करी वो हमने मैथमेटिकली करी है, यदि आप इसके एक थ्योरम भी रहती है कि यदि हम उस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो आपको जो आपका गिवन नंबर होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ थ्योरम, वो आपका एब्सोल्यूट स्यूडो नंबर होता है। यदि आप चाहते हो, विलिंग हो कि वो थ्योरम भी आपके साथ शेयर की जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाना और वहाँ पर कमेंट करके मेरे को बताना, तो देन आई विल डेफिनेटली शो, ठीक है, कि हम उसको कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर न्यू चैनल अमर्स किचन, एंड टेक केयर, बाय बाय, वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।